दिल्ली सरकार ने सुशील कुमार की डेपुटेशन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है सुशील कुमार के लिए। 2015 से 2020 तक वो उनका पिछला कार्यकाल था, इसको वो बढ़ाना चाहते थे और अभी उसको नहीं बढ़ाया गया है। बढ़ाना क्या, पूरी तरह से मांग को उनकी खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि उनकी इस मांग को यदि खारिज ही करना था तो वो अब तक जनवरी से लेकर मई तक अभी किस हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे। यदि उनके पास कोई डेपुटेशन का कोई कागज नहीं था या उनको अप्रूवल नहीं मिला था तो इसका मतलब वो बिना अप्रूवल के ही काम कर रहे थे। हम आपको यहाँ याद दिला दें कि 2004 में उनकी नियुक्ति हुई थी नॉर्दर्न रेलवे में, उत्तर रेलवे में, और फरवरी 2015 तक वो रहे थे नॉर्दर्न रेलवे में, और उसके बाद एनडीएमसी में वो चले गए और एनडीएमसी में डेपुटेशन पर गए थे, लेकिन कुछ ही महीने बाद उन्होंने पलायन किया और वो चले गए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, और तब से लेकर अब तक वो काम कर रहे हैं दिल्ली प्रशासन में। लेकिन उत्तर रेलवे को जो है इस आशय की सूचना को भिजवा दिया गया है, ऐसा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्र कह रहे हैं। लेकिन उत्तर रेलवे के जो सूत्र हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उनके पास अभी तक इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है जैसा कि हमें पता चला है। हम आपको ये भी याद दिला दें कि होता अमूमन ये है कि कोई खिलाड़ी यदि दूसरे विभाग में जाना चाहता है तो एक तो तरीका ये है कि सीधे सीधे वो रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा देकर वो दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं भी वो स्वतंत्र है जा सकता है। दूसरा तरीका होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, और तीसरा जो होता है वो है आप डेपुटेशन पर ड्यूटी ऑन स्पेशल ऑफिसर जा सकते हैं। और जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान सुजीत मान हरियाणा पुलिस में चले गए थे, रेलवे से हरियाणा पुलिस में गए थे बतौर इंस्पेक्टर, और उसके बाद वो वहां 2 साल के अंदर ही अंदर वहां से वापस लौट आए और रेलवे में फिर से काम करने लग गए। वो था टेक्निकल रेजिग्नेशन। उसके अलावा एक बॉक्सर थे जितेंद्र, वो भी इसी तरीके से गए थे टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर हरियाणा पुलिस में, और वो भी वहां से वापस लौट आए 2 साल के अंदर अंदर। वो यानी इसका मतलब ये होता है कि वहां नई जगह पर उनकी स्थितियां कैसी हैं, अगर उनको स्थितियां अच्छी लगेंगी तभी वो वहां पर काम करेंगे, इसलिए खिलाड़ी जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पूरी तरह रिजाइन देकर चले जाते हैं, जैसे विजेंद्र थे, जितेंद्र जूनियर थे, और इसके अलावा अखिल थे बॉक्सर। ये सारे बॉक्सर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे बॉक्सर जो है रिजाइन देकर हरियाणा पुलिस में पलायन हो गया था उनका, क्या वहां पर वो कार्यरत हो गए थे। लेकिन अब सुशील के केस में ये डेपुटेशन का मामला आया है, और स्पोर्ट्स में डेपुटेशन, और पहले एनडीएमसी, एनडीएमसी के बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और अब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मांग को खारिज कर दिया है डेपुटेशन को बढ़ाने की, और अब उत्तर रेलवे की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही अब ये भी सवालिया निशान लग गया है कि जो उनको बड़े मान सम्मान मिले हैं, जो कि सागर धनखड़ की मौत के बाद सागर धनखड़ के परिवार के सूत्रों ने मांग की है, कि उनके परिवार के सोर्सेज जो है यही बता रहे हैं कि उनकी ये मांग है कि उनके सब पदक वापस ले लिए जाए। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, पदक वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर बाद में कुछ केसेस भी चले, मुकदमे चले, और वो दोषी भी पाए गए, लेकिन उसके बावजूद पदक उनसे नहीं छीने गए। और सिर्फ डोपिंग के मामलों में दोषी पाए जाने पर जरूर पदक छीन लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार उनको मिला, सुशील कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, इनको वापस लेने की मांग उठ सकती है और वो उठनी शुरू भी हो गई है, खासकर उनके परिवार द्वारा, सागर धनखड़ के परिवार द्वारा। तो अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अगली त्वरित कार्रवाई क्या होती है। लेकिन फिलहाल तो अपनी नौकरी बचाना इस वक्त बहुत एक चुनौतीपूर्ण सबक बन गया है सुशील कुमार के लिए, क्योंकि अभी नौकरी उनकी बचेगी या नहीं बचेगी इसको लेकर सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति है। लेकिन सबसे पहले तो हमें जज के फैसले का इंतजार करना होगा, फिलहाल तो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि आगे सुशील का भविष्य नौकरी को लेकर क्या रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।